अर्चनी वंदनीय संत समाज आप सबके बीच कुछ निवेदन प्रस्तुत है। एक संपन्न परिवार था, उनके पांच बच्चे थे, पांच बहुएं थी और बूढ़ा और बूढ़ी। इस प्रकार से 12 सदस्यों का परिवार था। बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पे सर्विस भी करते थे, समय से पांचों बच्चों के तीन तीन बच्चे भी हुए। इस प्रकार से 15 नाती हो गए, पांच बहू 20, पांच बच्चे 25, दो बूढ़ा और बूढ़ी 27। 27 सदस्यों का परिवार था, परिवार संपन्न था। अचानक बूढ़े के आँख में कुछ बीमारी हो गई, जिससे उसकी आँख की रोशनी चली गई। बच्चों ने बहुत प्रयास किया कि पिताजी आप आँख का इलाज करा लीजिए। बूढ़ा बहुत कंजूस प्रकृति का था और खर्चा करना नहीं जानता था। बच्चों ने कई बार कहा, लेकिन बूढ़ा इलाज कराने को तैयार न हुआ, क्योंकि पैसा लगेगा। बच्चों ने अपनी इंसल्टी को महसूस किया और लोगों से भी सहयोग लेना चाहा, इन्हीं बात के लिए समझाने के लिए कि पिताजी को समझा दीजिए, इससे हम लोग बदनामी होगी, पैसे कमी नहीं है। लोगों ने बूढ़े को समझाया, लेकिन बूढ़ा इलाज कराने को तैयार न हुआ, क्योंकि पैसा उसमें लगता, खर्च होता। डॉक्टरों ने कहा कि बाबूजी आप इलाज करा लीजिए, ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं है, बहुत पैसा नहीं लगेगा, आपके आँख की बीमारी ठीक हो जाएगी, आप पुनः रोशनी आँख की लौट आएगी। लेकिन बूढ़ा भीर पर तैयार ना हुआ, उसने कहा जिसके घर में 27 व्यक्ति हैं, तो एक एक व्यक्ति के दो दो आँख होती है, 27 × 54, जिसके आँख में 54 आँखें हों, अगर दो आँख नहीं होगी तो क्या 52 आँख से काम नहीं चलेगा? मैं इलाज नहीं कराऊंगा, मरना तो है ही, एक दिन छोड़ के जाना तो है ही है, तो मैं इलाज नहीं कराऊंगा। लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बूढ़ा इलाज कराने को तैयार न हुआ। समय संयोग लकड़ी का मकान था, खपड़ैल का मकान जिसमें लकड़ियां लगी होती है, असावधानीवश आग घर में आग लग गई। घर में आग लग गई, चारों तरफ से घर जलने लगा। जिसके पास आँखें थी वो तो भागने लगे, अपनी अपनी जान सबको प्यारी होती है। बूढ़े के पास आँख तो है नहीं, आँख तो है लेकिन आँख में रोशनी नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, आग के लपटों में घिर गया, इधर जाता है उधर जलता है, इधर जाता है उधर जलता है। लोगों ने कहा बाबूजी अब 52 आँखें काम नहीं देंगी, आज आपके पास दो आँखें होती तो वही काम देती। देसी कहावत में कहा गया है, कंठे विद्या गांठी दाम, जब चाहें तब आवे काम। आपके टेट में गांठ में अगर पैसा है, कंठे में विद्या है, तो वही काम देगी। आज 52 आँखें घर में हैं, परिवार में 52 आँखें हैं, लेकिन कोई भी आँख काम नहीं दे रही है। अंदर मुझको जलन होती थी कि बच्चे कैसे नालायक हैं जो इतना पैसा खर्चा करना चाहते हैं, बुढ़ापा अवस्था गया है, आखिर मरना तो है, एक दिन छोड़ के जाना है तो ही है। गुरु कबीर कहते हैं, ई जग जरते देखिया, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। गुरु कबीर फक्कड़ संत, मस्त मौला संत थे,
कहीं घूमते हुए जा रहे होंगे, देखे तो लोग आपस में विवाद कर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। गुरु कबीर के मुख से पंक्ति निकल गई होगी, ई जग जरते देखिया। जग क्या जलेगा? जगत के लोग जर रहे हैं। ये जगत क्या है? हमारा शरीर ही है। शरीर है जब तक, तब तक संसार है, जगत है, नहीं कुछ कुछ भी नहीं है। जहां जीवात्मा शरीर से निकला, संसार खत्म। जो भारतीय परंपरा में कहा जाता है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, कब तक? जब तक मुर्दा हत है। वही राम ही सत्य है और बाकी सब असत्य है। जब तक शरीर में चेतन है तब तक संसार है, और जहाँ चेतन गया तो जा दिन निकल जाएगा जीव तन से, नहीं कर्म होगा ना इंद्री ना मन से। शरीर तो वही है, आँख नहीं देखेगी, कान नहीं सुनेगा, पैर आगे नहीं बढ़ेंगे, हाथ नहीं उठेगा। क्यों? इसका उपयोग करने वाला ही चला गया। हाथ अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, पैर अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, आँख अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, इसका उपयोग करने वाला वो कौन है? वो चेतन है, जो सबकी अपनी चेतना है, अपना स्वरूप है, ब्रह्म है, खुदा है, गॉड है, राम है, वो सबके अंदर में बैठा हुआ है। लेकिन अपने स्वरूप का ज्ञान ना होने के कारण जल रहा है। जहाँ देखो आ लड़ाई का कारण, विवाद का कारण क्या है? जलना है। किस आग में? आग में। आग की हमारे जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर आग ना हो तो भोजन नहीं पकेगा, जलपान नहीं बनेगा, और जब पेट में पड़ेगा चारा तब कूदे लागे बेचारा। अब पेट में चारा ना हो तो क्या कहते हैं देहाती भाषा में? भूखे भजन होई गोपाला, अलैला महाराज आपन कंठी और माला। ऐसे भक्ति से बाज आए। जब पेट में कुछ चारा रहता है ना, तो भक्ति भावना कथा वार्ता सब अच्छा लगता है। अब पेट में चारा ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारे शरीर में भी आग की आवश्यकता है। अगर आग अधिक हो जाती है, हम जो भोजन करते हैं भस्मी रोग होता है, वो भस्म हो जाएगा। शरीर में रस रक्त जो बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। कितने लोग को कहते सुने भी होंगे कि महाराज अमुक लड़का खाता तो है, एक लीटर दूध भी पीता है, लेकिन महाराज बेकुछ सूखता चला जा रहा है। क्यों? उसके अंदर में भस्मी रोग हो गया है। और आग मंद पड़ जाएगी, ठीक से भोजन पकेगा नहीं तो गैस्ट्रिक रोग भी हो जाएगा। जैसे लाइन अधिक हो जाती है तो मोटर जल जाती है, और लाइन जब कम हो जाती है तो मोटर गुर्र गुर्र करती है, चलबे नहीं करेगी। शरीर भी हमारा एक मशीन है, इसको बड़े संतुलन में रखना है। और शरीर ठीक है तो कुल ठीक है, और शरीर गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये साधन शरीर साधन का चित्र मिला है, साधना करने के लिए मिला है, इसलिए साधन को रखना बहुत जरूरी है। बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। गोस्वामी दास महाराज ने कहा, तुलसी धनधाम शरीरे तक। शरीर ठीक है तो कुल ठीक है। अगर सुबह शौच पेट साफ हो जाए, रात में बढ़िया नींद आ जाए और मन शांत रहे, तो इसके समान कोई सुख नहीं, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, कोई अगवान, ना भगवान, ना देवी, ना देवता, कुछ नहीं है। सारा सुख है। और मन शांत नहीं है तो सब बेकार। देसी कहावत में लोग कहते हैं ना, कहावत तो प्राय सभी जगह है कि मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन मन चंगा हो कैसे? इसी मन को चंगा करने के लिए हम लोग घर द्वार, माता पिता, परिवार, गांव, देश को छोड़ करके वही चंगा कराने के लिए आए हैं। कबीर मन निर्मल भया, कबीर मन निर्मल भया। कैसे?
जैसे गंगा नील, अब पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। गुरु कबीर कहते हैं ये मन निर्मल हो गया, कैसे, जैसे गंगा नील, गंगा का जल अपने यहाँ प्रयाग का नहीं, सारा शिवर का पानी जा रहा है, देश का पूरा कूड़ा कचरा उसमें बह के आ रहा है, उसमें बड़े बड़े जानवर हैं जो गंदगियों को खाती हैं, अगर जानवर ना हो तो पानी में बदबू आ जाए, बदबू। हरिद्वार में जाकर देखें, वहाँ मछलियाँ तैर रही हैं, लोग मछलियों को मार नहीं सकते, वहाँ पर उनको आटा खिलाया जा रहा है, दाना चुंगाया जा रहा है, जहाँ से नहरें निकली हुई हैं। तो कबीर मन निर्मल, किसको निर्मल करना है, मन को निर्मल करना है। और जब मन निर्मल होगा कैसे हो गया, गंगा नीर के समान स्वच्छ हो गया, तो क्या होगा, गुरु कबीर कहते हैं जिस भगवान को तुम पाना चाहते हो, भगवान तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा कि कबीर साहब मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, ऐसा कोई भगवान नहीं जो आपके पीछे घूमेगा। कर्मों की पवित्रता ही भगवान के असली पूजा है। आप मोटरों में जगह जगह ट्रक के पीछे लिखा पाते होंगे वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। गोस्वामी दास महाराज ने कहा कि तन से मन से वचन से, तन से मन से वचन से काहू दूषत नाई, अतुलसी ऐसे संत जन राम रूप जगमाए। जो तन से मन से वचन से किसी को भी पीड़ा नहीं देता है, ऐसे संत किसी भी भेष में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, किसी मजहब में हो, तुलसी ऐसे संत जन। गोस्वामी दास नहीं कहा हमारे वैष्णव मत में हो, कबीर मत में हो, मौनी हो, दिगंबरी हो, ठाड़ेश्वरी हो, उर्दबाहु हो, निर्वाणी हो, कौन हो, ना 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 ना, किसी भी वेश में हो, जिनके मन विकार शांत हो गए हो, ये राम रूप हैं, राम को खोजने कहाँ जाओगे। गुरु कबीर कहते हैं करे विचार विकार परिहर, तरण तारण सोए कहाँ ही कबीर भगवंत भजु नरे, द्वितीया और न को। जिन्होंने करे विचार विचार करके विकारों का प्रत्याग कर दिया, यही तो साधना है, और कौन साधना है। विकार ही पीड़ा दे रहे हैं, विकार हमें उद्वेगित कर रहे हैं, बेचैन कर रहे हैं, इसी को तो साधना है। तो करे विकार, जिन संत गुरुजनों ने विचार करके विकारों का परित्याग कर दिया, तरण वही तरे हुए हैं, तारण दूसरों के ताड़े में सहयोगी हो सकते हैं, कहाँ ही कबीर भगवंत। गुरु कबीर कहते हैं ऐसे जो संत हैं, भगवत स्वरूप हैं, कल्याण स्वरूप हैं, उनकी सेवा करो, उनका सानिध्य प्राप्त करो, उनके बताए अनुसार जीवन यापन करो, इनके अलावा तुम्हारे कल्याण में कोई सहायक नहीं हो सकता, और कोई दूसरा ऐसा भगवान नहीं है। ये सगुण साकारधारी भगवान हैं, हमारे अंदर के निर्गुण भगवान को बोध देने वाले कौन हैं, ये संत गुरुजन हैं। तो मैं कह रहा था ई जग जरते देखिया, आज देखो हनुमान चालीसा का मुद्दा लेकर के आपके बॉम्बे में और आपके मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, जहांगीरपुरी में कितना बवाल हो गया राम को लेकर के, हिंदू मुस्लिम को लेकर के, हनुमान को लेकर के विवाद हो रहा है। अगर ऐसा भगवान कहीं होता, ऐसा कहीं अल्लाह होता, ऐसा कहीं हनुमान होता ना, तो पहले बाबा लोगों की खोपड़ी को ठीक कर देता। जितने भगवान के ठेकेदार एजेंट बन के घूम रहे हैं, इनकी बुद्धि को ठीक कर देता भगवान, तो अपने आप उड़ जाता बेचारा। इसी पे कवि ने कहा, हम क्या करने आए थे, हम क्या करने आए थे, क्या कर बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो वे परिंदे अच्छे हैं, कभी मंदिर में जा बैठे तो कभी मस्जिद में जा बैठे।
हम क्या करने आए थे? मंदिर मस्जिद गिरिजाघर गुरुद्वारा बनाए आए थे? हमसे तो वे परिंदे नाम पक्षी अच्छे हैं, कभी मंदिर के गुम्बजों पे जाकर बैठ जाते हैं और कभी मस्जिद पे जाकर मंदिर में जाकर बैठते हैं, कभी मस्जिद पे जाकर बैठते हैं। उनके लिए कोई भगवान नहीं है। अगर दुनिया में इंसान ना होता तो एक मंदिर नहीं होती, एक मस्जिद नहीं होता, एक गिरजाघर एक गुरुद्वारा भी नहीं होता और ना वे शास्त्रों का निर्माण करने वाला होता। इंसान की फैक्ट्री में भगवान का निर्माण होता है, जैसे चाहता वैसे भगवान को बनाकर बाजारों में बेच देता है। एक कलाकार ने कहा, प्रभु आप एक कलाकार हैं, मैं भी एक कलाकार हूँ। लोग कहावत है कि भगवान ने दुनिया को बनाया है, इंसान को बनाया है। तो कलाकार कहता, प्रभु आप कलाकार हैं एक, मैं भी एक कलाकार हूँ। आपने मुझ जैसे अनेक शरीरधारियों को बनाया होगा, लेकिन आपने मुझ जैसे अनेक शरीरधारियों को बनाया होगा, मैंने भी आप जैसे अनेक भगवानों को बनाकर बाजार में बेचा होगा। आपने तो बनाया है, लेकिन मैंने आप जैसे अनेक भगवानों को बना करके बाजार में बेचा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आपकी बनाई हुई मूर्तियां आपस में लड़ती हैं, लेकिन मेरी बनाई हुई मूर्तियों की पूजा होती है। गुरु कबीर कहते हैं, मानो तू सबसे महान। आपने तो बनाया होगा, मैंने तो आपकी मूर्ति को बनाकर बाजार में बेच दिया। अब आपकी मूर्ति लड़ती है, लेकिन मेरी मूर्तियों की पूजा होती है। आज जहां देखो वहीं लड़ाई। गुरु कबीर कहते हैं, ई जग जरते देखिया, ये सारा संसार राग द्वेष की आग में जल रहा है। मेरा बड़ा, मेरा बड़ा, मेरा बड़ा, कौन बड़ा? को बड़ छोट कहत अपराधु, असुनी गुण भेद समझ है साधु। गुरु कबीर कहते हैं, ददा देखहु बिन सनहारा, अजस देखहु तस करहु विचारा। अरे संसार परिवर्तनशील, क्यों भी बात करते हो? मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो कोई नहीं मुझा का है। अगर आवश्यकता पड़ जाए मंदिर तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो कोई नहीं मुझा का है, पर काहू का दिल मत तोड़ो ये घर खास खुदा का है। एक खुदा का घर है, इसको किसी को पीड़ा मत दो, लेकिन पीड़ा इसको देते हैं। जहां देखो विवाद चालू है। आज ईद मनाया जा रहा है, जगह जगह विवाद हो गया। हिंदुओं में जब होली का त्यौहार आता है तो उसमें झूम के नाचते हैं, अब मुसलमानों में जब ईद आता है, मुहर्रम का समय आता है, उनमें ताजिया निकालते हैं, बांस की फैक्ट्री उसमें लगी होती है, उसमें भी क्या पन्नी लगी रहती है कागज की। और हिंदुओं का जब लेकर जाते हैं, क्या निशान ले जाते हैं बांस का, उनका भी होता है, उनमें भी कागज की पन्नी चमकी ही लगी रहती है और आए दिन निशान लेकर ताजिया लेकर के आपस में लड़ जाते हैं। गुरु कबीर ने ऐसे लोगों को देखकर कहा था, मैं केका समझाई जगत हो गया अंधा, एक दुई होते तो उन्हीं समझौते असबही भुलाए गए पिटवई के धंधा। मैं केका समझाई जगत हो गया, मैं किसको समझाऊं? हर तू अंधे हो गए हैं, संप्रदाय के नाम पे, मद मजहब के नाम पे आपस में विवाद हो रहा है। तो मैं कह रहा था, मुहर्रम का समय था, मुसलमान लोग ताजिया को लेकर के जा रहे थे, ताजिया लेकर जा रहे थे। पहले ताजिया तो बड़ी बड़ी होती थी, अब तो छोटी हो गई है। तो बीच रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ता था, ताजिया इतनी लंबी थी, पीपल की डगाली झुकी हुई थी, उसमें संभावना हुआ कि डगाली उसमें लग जाएगी और हमारी ताजिया का जो ऊपर का भाग है टूट जाएगा, जो गुंबज है युवा इस डगाली को काटना है। हिंदू लोग उनको जानते हैं, हिंदू लोग पीपल में क्या मानते हैं? ब्रह्म मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। जहां पर पीपल का पेड़ होगा लंगोटा चढ़ा देंगे, एक वहां हनुमान बना देंगे। और आज समय से पीपल का पेड़ भी बेचा जा रहा है, लकड़ियों को काट कर जलाया जा रहा है। कहाँ गए हनुमान जी?
मैं केका समझाई जगत हो गए अंधा। खटिया मचिया बना करके, पलंग बना करके सब बेच रहे हैं, कहाँ गए हनुमान जी? और जब हाथी पीलवान आता है, हाथी वाला डगाली को काट देता है, हाथी उसको चबा गया, पत्तियों को टट्टी बना दिया, लकड़ी को चूल्हे में लगा दिया, जल गया, कहाँ गए हनुमान जी? पता नहीं, हम लोगों को गुमराह किया गया, भटकाया गया है धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे, मजहब के नाम पे। तो हिंदुओं की मान्यता है कि पीपल के पेड़ में हनुमान जी रहते हैं, लंगोटा चढ़ा देते हैं। मुसलमानों ने कहा डगाली को काटेंगे क्योंकि हमारी ताजिया अड़ रही है। हिंदुओं ने सुना तो कहा हमारे हनुमान जी इसमें रहते हैं, डगाली आप काट नहीं सकते हैं। इधर से काटने की तैयारी मुसलमानों ने किया, उधर सिंधु आ गए, कहे हमारे हनुमान जी हैं आप काट नहीं सकते हैं। लड़ाई की संभावना आ गई दोनों में, लाठी डंडा फरसा गड़ासा सब एकत्र हो गया। समय से एक विवेकवान कोई पार के संत घूमते हुए जा रहे थे, कहा ये हुजमा क्यों लगा हुआ है, विवाद क्यों हो रहा है? महात्मा जी घूमते घूमते पहुंच गए। कहा जाता है संतमही विचरंत, संत जो विचरंत हो, विचरंतवान जो विचारवान जो संत होते हैं, संतमही विचरई यही हेता, अजड़ जीवन को करही सचेता। अज्ञानी जीवों को चेताते हैं। समय से वहाँ महात्मा जी पहुँच गए, विचारवान थे। कहा भाई विवाद किस बात का है? मुसलमानों ने कहा महाराज ये ताजिया हमारी है, इसमें हमारे अल्लाह मियाँ हैं, ये पेड़ की डगाली रोक रही है ताजिया जाने में, कुछ बाधाएं उत्पन्न कर रही है, हम लोग इस डगाली को काटेंगे क्योंकि हमारा खुदा झुक नहीं सकता। लेकिन ध्यान दीजिए, झुकता कौन है जो बड़ा होता है? झुकता वह है जिसमें जान होती है, झुकता वह है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जब तक शरीर में चेतना है, शरीर को जिधर आप मुड़ना चाहे मुड़ जाएगा, लेकिन शरीर से चेतना निकल गई तो टाइट हो जाएगा लकड़ी के समान, फिर मुड़ने वाला नहीं है। आजकल तो वैज्ञानिक आविष्कार ऐसा हो गया, कुछ केमिकल चल गए हैं कि आदमी मोड़ देता है, लेकिन कब तक? छिपाए छिप नहीं सकती, बनावट के वसूलों पे खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। एक ने कहा महाराज जमाना चला गया। कहा क्या? कहा छिपाए छिप सकती है बनावट के वसूलों पे, लेकिन खुशबू आज आ सकती है प्लास्टिक और कागज के फूलों से। लेकिन ध्यान दीजिए कब तक? जब तक सेंट रहेगा तब तक। उसके बाद जब सेंट टूट गया तो भौरा परंपार की है, मधुमक्खी परंपार की है, प्लास्टिक के फूल ऐसे ऐसे चल गए हैं कि हम आपकी निगाहें भ्रमित हो जाएंगी, नहीं समझ पाएंगे कि असली फूल है कि नकली। लेकिन भौरा परंपार की है, कभी भी प्लास्टिक के फूल पर नहीं बैठेगा, बैठेगा तो असली फूल पर बैठेगा। वो परंपारक ही है, जीव का स्वरूप ही पारक है। तो महात्मा जी ने कहा भाई आपकी बात तो सुन लिया। हिंदुओं से कहा आपकी बात क्या है? कहा महाराज इसमें हमारे हनुमान जी रहते हैं, हे हनुमान जी की डगाली कट नहीं सकती है, अगर डगाली को काटेंगे तो हम लोग उसी को काट डालेंगे। महात्मा जी ने कहा बड़ा मामला गड़बड़ है। कहा ना ही तो इसमें हनुमान जी हैं, ना उसमें अल्लाह मियाँ हैं। अगर अल्लाह मियाँ और हनुमान जी होते दोनों अपना विवाद खत्म कर लेते, वो तो है ही नहीं। महात्मा जी ने कहा ऐसा है करो, आपके इसमें खुदा हैं अल्लाह ताला हैं, इसमें हनुमान जी हैं, आप ताजिया को ही रख दीजिए, ये हनुमान जी और अल्लाह मियाँ आपस में निपट लेंगे, वो दोनों आपस में निपट लेंगे, जो बड़ा हो जाएगा अपना काम कर लेगा, आप लोग लड़ो मत। आप लोग क्यों लड़ते हो? मत लड़ो, रख दो। दोनों तरफ से समझदार लोगों ने कहा महाराज ठीक कहते हैं, अरे जब अल्लाह मियाँ होगा तब तो लड़ेगा, हनुमान जी होंगे तब तो लड़ेंगे। लोग कहते हैं कि महाराज भगवान तो मंदिर में रहते हैं, ये मंदिर में भगवान थोड़ी रहते हैं,
जिन महामनुष्य की मूर्तियां उसमें रखी गई हैं, एक प्रतिमा है यादगिरी के लिए रखा गया है। हनुमान जी मंदिर में थोड़ी रहते थे, हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री थे, राजकाज को देखते थे। भगवान राम मंदिर में कहाँ रहते थे? माता पिता की आज्ञा को मानकर 14 वर्ष वनवास चले गए। अगर वनवास न गए होते तो रामायण दूसरे ढंग से लिखी जाती और कोई भगवान राम को जानता भी ना। कहाँ उनको इतना फुर्सत था मंदिर में रहने का? हनुमान जी पहले एक थे। अगर हनुमान जी मंदिर में रहते होते तो महमूद गजनवी आया, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ करके अपने गैनी देश को सजाया। हनुमान जी एक गदा मार देते ना तो गजनी तो 9-2-11 भाग जाता। हनुमान जी है नहीं। आज मंदिर में शंकर जी की मूर्ति है, हनुमान ये सांप का चित्र बना रहता है। अगर सांप उसमें होता तो सांप फुफकार मार देता, चोर की हिम्मत होता कि उसमें प्रवेश कर जाता। आज हनुमान जी की आंख निकाल लेते हैं, सोने का कलशा चोरी हो जा रहा है, मुकुट सोने चोरी हो जा रहा है, उसमें है नहीं। ध्यान दीजिए, जिसकी मूर्ति होता है वह उसमें नहीं होता। आज मंदिर के दरवाजे पर देखिए शेर की मूर्ति बनी हुई है, तो क्या उसमें शेर रहता है? क्या शेर उसमें नहीं रहता? गाय दरवाजे पर बनी हुई है, ऐसा लगता है कि मानो साक्षात गाय है। तो एक आध बाल्टी लेकर दूध दुहने के लिए पहुंच जाओ, उसमें है क्या? अगर पत्थर की गाय दूध देती तो आज चारा भूसा दीनानाथ घास भूसा खिलाने की चोकर की आवश्यकता नहीं थी। वो पत्थर की गाय दूध देती और 25-30 लीटर दूध करके आप नाप देते, कम से कम 50 रुपया लीटर दूध क्या हो सकता थी। आदमी सब इस बात को जानता है लेकिन फिर भी मंदिरों में जाकर के सिर पटकता है। तो महात्मा जी ने कहा, भैया आप यही ताजिया को रख दीजिए और अपना हनुमान जी और वो खुदा साहब निपट लेंगे, जब होंगे तब तो निपट लेंगे। गुरु कबीर कहते हैं, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी। जहाँ अब कुछ है ही नहीं है वहाँ सब कुछ जान रहे हैं। अरे उसका चक्कर छोड़ो, जहाँ पे है तहाँ ले पहचानी, जहाँ पे है उसको पहचानो। अभी हमारे चेतन साहब कह रहे इतना, कबहुन भयउ संगयउ साथा। तुमने ऐसे विवेकवान संतों का संग साथ तो किया नहीं, परिणाम क्या होगा? अब तो रोही ही नरक मां बासा, अब तुम्हारा नरक में वास होगा। नरक में वास होने का मतलब है शरीर को धारण करना। आज सुंदर मानव शरीर को धारण किए हो, साधन भजन कर सकते हो, कल्याण का काम कर सकते हो, कल कहीं मानवेतर योनि में चले गए तो ऐसा सुंदर समाज मिलेगा? नहीं मिलेगा। ज्ञान ध्यान की चर्चा मिलेगी? नहीं मिलेगी। परमार्थ की चर्चा, धर्म परोपकार की चर्चा मिलेगी? नहीं मिलेगी। उनको वहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। तो आज जहाँ देखो सारा संसार आपस में जल रहा है। राम राम का युद्ध आपस में जलने के कारण ही पूरा लंका नगरी जल के समाप्त हो गया। अगर रावण के पास सद्बुद्धि होती तो माँ सीता का अपहरण न करता। अगर लक्ष्मण के पास में सद्बुद्धि होती तो सूर्यपखा शादी करने के लिए आई दी थी, तो आप शादी ना करती, उसका नाक कान क्यों काट लिए? न करते। ये समझदारी की बात नहीं। सत्संग में जाने से मेरे पास समझदारी आती है, हमारे मानसिक बुद्धि का रिपेयर होता है। रावण के पास क्या कमी थी? सामरिक सत्ता थी, प्रकांड विद्वान था, अपने जमाने का योद्धा था, लेकिन उसके पास सद्बुद्धि नहीं थी। सोने की लंका थी लेकिन ना करने योग कर्म को किया, परिणाम क्या हुआ कि सोने की लंका भी ध्वंस हो गई और अपना तो गया ही, अपने पूरे परिवार का सत्यानाश करा दिया। अगर राम विभीषण के पास सद्बुद्धि होती, वो भी रावण से जलता था, किसके लिए? राज प्राप्त करने के लिए। इसलिए जितने भी विचारक हैं, कोई भी व्यक्ति विभीषण को पसंद नहीं करता है। जब रावण को मारने के पश्चात राम आते हैं, राम की राजगद्दी होती है, चारों भाई आपस में जब गले मिलते हैं, विभीषण उस समय फूट के रो पड़ा। अंगद ये बाली तो मारा गया बेचारा,
अंगद रो पड़ा कि देखो कैसे कैसे भाई हैं कि जो आपस में गले मिल रहे हैं। मैं कैसा भाई था कि मैं ही अपने भाई को राज्य के लालच में पड़ करके ही उसको मरवा डाला। गोस्वामी दास महाराज ने कहा, रामायण अनुहरत सिख जग भय भारत नेम। रामायण अनुहरत सिख जग भय भारत नेम, तुलसी सठ की को सुने कलि कुचाल को प्रेम। गोस्वामी दास महाराज करते हैं, रामायण के अनुसार मैं लोगों को शिक्षा देता हूँ, लेकिन लोग कैसे हो गए, महाभारत के समान हो गए। हमारे यहाँ दो काव्य हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण में भातृ स्नेह है, गद्दी का मालिक भरत होते हुए भी गद्दी को स्वीकार नहीं किया और अपने बड़े भाई राम के चरण पादुका को ला करके 14 वर्ष तपस्वी जीवन बिताया। और राम का आदर्श कैसा था कि माता पिता की आज्ञा को मान करके वनवास चले गए। अयोध्या का गेंद, अयोध्या का राज गेंद हो गया, लेकिन आज रामायण का अखंड पाठ करने वाले 4 अंगुल जमीन के लिए अपने भाई को गोली मार देते हैं और पाठ करते हैं अखंड रामायण का पाठ। गुरु कबीर कहते हैं, मैं केका समझाई जगत होई गए अंधा। महाभारत, कौरव पांडव दोनों भाई थे लेकिन आपस में कट के मर गए। कुछ गया किसी के साथ में, कुछ नहीं, ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाएंगे। सब कुछ यही मिला था, यही छूट गया। गुरु कबीर कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, लेकिन फर्क क्या है, एक सिंहासन चढ़ चला एक बधा जात जंजीर। एक हंसते हंसते संसार से चला गया, एक वासनाओं के जंजीर में बंध के जा रहा है, रो रो कर जा रहा है, उद्वेग में, चिंता में, पीड़ा में शोकित होकर के जा रहा है। क्या शरीर धारण करने का मतलब यही है। गुरु कबीर कहते हैं, मरते मरते जगमुआ मुवे न जाना कोई, ऐसा होए के नामुआ जो बहुर न मरना हो। लोग रोज मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, लेकिन किसी ने मरने का तरीका नहीं जाना। किसी ने पूछा, महाराज क्या कोई मरने का तरीका होता है? कहाँ, मरने का तरीका ऐसा होता है कि दोबारा शरीर को धारण करना ही न पड़े। जो आज अपने आप को वासनाओं से छुड़ा लेता है उसी का जीवन धारण करना ही सफल है। एक भजन, उसके बाद वाणी का विराम। हंसा तो है, हंसा तो है, गाड़ी से जाना है जरूर। हंसा तो है, गाड़ी से जाना है जरूर, गाड़ी से जाना है जरूर। हंसा तो है, गाड़ी से जाना है जरूर। अजीब आत्मा रूपी हंसा, एक दिन शरीर रूपी गाड़ी को छोड़कर तुमको जाना होगा। तो हंसा तो है, गाड़ी से जाना है जरूर, टिकट लेन को सब ही खड़े हैं पैसा नाही पूर। टिकट लेन को सब ही खड़े हैं पैसा नाही पूर। अरे बिन पैसा को कैसे जावे, बिन पैसा के कैसे जावे, सत्य का गांव है दूर। हंसा तो है, गाड़ी से जाना है जरूर, हंसा तो है, गाड़ी से जाना है जरूर। किसी ने पूछा, महाराज वो टिकट मिलेगा कहाँ? साहब कहते हैं, सत्संगत में टिकट मिलत है ले लेना भरपूर, सत्संगत में टिकट मिलत है ले लेना भरपूर। कही हमारी जो तुम मानो, कही हमारी जो तुम मानो, मत कहीं जाना दूर। हंसा तो है, गाड़ी से जाना है जरूर, हंसा तो है, गाड़ी से जाना है जरूर। यह देश में रहना नाही चौथर पा उड़ रही धूर, इस देश में रहना नाही चौथर पा उड़ रही धूर। क्यों? यहाँ का राजा है पर पंची,
यहाँ कर आजा है परपंची, रैयत को बानो है मजूर, हंसा तो है गाड़ी से जाना है जरूर, हंसा तो है गाड़ी से जाना है जरूर, यह देश में रहना नहीं चौतरफा उड़ रही धूल, यहाँ कर आजा है परपंची, यहाँ का राजा है परपंची, रैयत को बनो है मजूर, हंसा तो है गाड़ी से जाना है जरूर, हंसा तो है गाड़ी से जाना है जरूर। तो क्या करना है, सतनाम का टिकट कटा लो तब ही पड़ेगी पूल, सतनाम का टिकट कटा लो तब ही पड़ेगी पूर, सुख संतोष मिलेंगे सब ही, सुख संतोष मिलेंगे सब ही, साहेब कबीर हजूर, हंसा तो है गाड़ी से जाना है जरूर, हंसा तो है गाड़ी से जाना है जरूर, सतनाम का टिकट कटा लो तब ही पड़ेगी पूर, सतनाम का टिकट कटा लो तब ही पड़ेगी पूर, सुख संतोष मिलेंगे सब ही साहेब कबीर हजूर, हंसा तो है गाड़ी से जाना है जरूर, हंसा तो है गाड़ी से जाना है जरूर, हंसा तो गाड़ी से जाना है जरूर। तो गुल खिले गुलशन खिले, गुल खिले गुलशन खिले और खिले आप सबकी जिंदगी, जहाँ तक मेरी आवाज जाती है भजन सुनने वालों की, सबसे हमारी साहिब त्रैवार बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।